नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। बता दें, संत कबीर नगर में 9 केंद्रों पर 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी और मतगणना के लिए 2 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में बता दें 347 टेबलों पर मतों की गिनती कराई जा रही है। वहीं महाराजगंज की बात करें तो वहाँ 27,524 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो रहा है। साथ ही साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मतगणना स्थल पर लोगों को, प्रत्याशियों को जाने की अनुमति दी गई है। वहीं अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां पर सभी 9 ब्लॉकों में एक साथ मतगणना शुरू हो गई है और जिले की 111 न्याय पंचायतों के लिए 222 टेबलों पर मतगणना कराई जा रही है। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। अधिकृत पास दिखाने के बाद ही प्रवेश उम्मीदवारों प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महोबा की बात करें तो वहां 6,914 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो रहा है। मतगणना स्थलों पर बैरिगेटिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की घटना पर नजर बनी रहे। पीलीभीत की बात करें तो वहां पे 10,918 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है और काउंटिंग में 2740 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बता दें, पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे चरण में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था। राज्य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194 और ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 और जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मतदान डाले गए थे, जिसका नतीजा आज सामने आ रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी। कोरोना के प्रोटोकॉल का भी कई जगह पर पालन किया जा रहा है और कहीं कहीं नहीं पालन किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल हर मतगणना केंद्र पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। साथ ही उम्मीदवारों प्रत्याशियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही वहां पर आने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ वहां पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन वहां पर किया जाए। हालांकि स्थिति शाम तक साफ होगी, कौन जीता, किस पंचायत से कौन सदस्य जीता है, ये स्थिति शाम तक साफ होगी। फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।